Hey, what is up homies? It's your boy Hardik and you're watching Logical Bakwas। तो आज मैं जा रहा हूँ भाई रीशू दीदी, जिनका नाम स्माइली है, उनसे मिलने। वो बचपन से मेरे साथ ही रहती थी। तो मेरी जो बहन है भावना दीदी, उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी वो, तो उससे मिलने जा रहा हूँ मैं। वो कोनेस्टोगा कॉलेज में आई हुई हैं, तो वो कॉलेज, और सबसे बड़ी बात कि वो कॉलेज रेजिडेंस में रहते हैं, तो मैं वहाँ का भी व्लॉग बनाऊँगा। और कोनेस्टोगा कॉलेज डून कैंपस की ड्रोन शॉट्स भी लूँगा। ड्रोन भी लेके जा रहा हूँ, अकेले जा रहा हूँ। यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव है। सो लेट्स go guys and I'll see you, bye bye। तो भाई अभी हम आ चुके हैं। ये मेरे पीछे देख लो, ये पूरा ये कॉलेज रेजिडेंस है यहाँ पे। तो ये है यहाँ पे, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दो। और हमारे साथ हैं एक और भाई, you know me, I'm Nishant, subscribe to Nishant Vlogs, guys। भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और देखो भाई यहाँ पे क्या है, ये तो खुली रखा है वैसे, पर कोनेस्टोगा आईडी होती है ऐसी, आई गेस। दिखाओ भाई अंदर से। तो मुझे पता ही नहीं था। तो भाई ये है कॉलेज, ये कॉलेज की आईडी है, वन कार्ड आईडी होती है। और फिर ये है रूम, मतलब ये है रेजिडेंस कॉलेज का। ये यहाँ पे इन्होंने, वैसे इनका किचन अलग भी है, बट इन्होंने ऐसे बना रखा है। यहाँ पे वॉशरूम है और एक रूम ये रहा, फुल इंडियन टच दे रखा है इस रूम को। यहाँ पे क्लोजेट भी बढ़िया सही है। और यहाँ पे एक और रूम है। तो इसका रेंट है 550 है ना रेंट इसका, 550 फॉर दिस सेमेस्टर। इफ यू आर कमिंग इन अगस्त, आई एम सॉरी ब्रो, यू आर, इट विल बी लाइक 950। तो अभी देखो मैं दूसरा रूम भी दिखाता हूँ तुम्हें, सारे रूम कैसे हैं यहाँ पे लॉन्डो के। तो लड़कियों का था। तो अभी हमारे साथ हैं निशांत व्लॉग्स। Don't judge me, my roommate is very messy, okay? I'll open the door for you. Are you ready, my guy? Yeah, yeah bro, चलो। Welcome to the crib। ओ भाई ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है, like this is huge। हाँ। Yeah, I just bought the groceries. Show them, this is only my groceries। ये यहाँ पे, ये भी घर में। You can have a look at my, this is my bed। This is my TV, this is my laptop, this is where I edit my videos। Oh yeah, nice। And we get the TV in residence। Yeah, and you wanna have a look outside? No. TV is also big। Yeah, it's a smart TV। It's a smart TV। I use it for editing। तो ये देखो पीछे यहाँ पे सेंटिनल रेजिडेंस, वो सेंटिनल क्या है, कोनेस्टोगा का रेजिडेंस है। ये लॉन्ड्री का कार्ड है, अगर आप लॉन्ड्री करना आते हो तो ये चाहिए। $5 लगते हैं भाई बार लॉन्ड्री कराने। तो महीने में एक बार कराते हो? हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार। यहाँ पे लॉन्ड्री कराने के पैसे। It depends if you have a lot of clothes, then you can do it like in 2 weeks। तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे रहते हो? मेरे को कनाडा आए हुए 2 महीने हो गए हैं। मेरे को रेजिडेंस में 1.5 मंथ्स हो गए हैं। And we are outside like in 15 August। Oh nice। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? देखो हम अभी सेकंड फ्लोर पे हैं। सेकंड फ्लोर में है पूल टेबल, ओके। दिस इज एक्चुअली, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ रूम हियर। द वन व्हिच वी सॉ हियर, शोड यू, एंड द अदर इज ओपन कॉन्सेप्ट, ओके। सो दिस इज आल्सो नाइस। सो दिस इज द गेमिंग रूम। व्हाट्स द डिफरेंस? सी वी हैव 2 रूम्स इन this type of rooms, and here it's all open। Okay, dear students, in order to reserve this space you must send an email to Conestoga residents। Oh, or go to the front desk, tell them I want access, they'll give it। Okay, तो basically यहाँ पूल है, फुटबॉल है, टीवी है बहुत अच्छा। अगर आपको लॉन्ड्री देखनी है तो जस्ट यहाँ पे लिफ्ट है, नीचे जाएंगे आपको लॉन्ड्री दिखा देंगे। $5 की लॉन्ड्री होती है, राइट? हाँ। Okay, nice, nice, nice। But card हमें पहले से बनवाना होगा। Yeah, so the card will cost you $5 or $5। $5। $5 का कार्ड है और उसमें $5 रिचार्ज कराओगे, तो $2.5 फॉर द वॉशिंग एंड $2.5 फॉर ड्रायर। ओके नाइस। वैसे अच्छा है, अगर तुम इनिशियली कोई जैसे 18 साल का लौंडा आता है, बच्चे आते हैं ना शुरू में, या जो भी आते हैं, तो उनको क्या होता है कि होम सिकनेस होती है और वो अकेले भी रहते हैं। और इसमें से आवाज़ करती आई होगी तो मैं बाहर ही जाके बात करूँगा। तो भाई ये है बेसिकली, दिस इज दी कॉमन एरिया ना, किचन कॉमन एरिया, वही किचन है। कोनेस्टोगा, you owe us money now। Yeah, vending machine भी है भाई फुल। पर लोगों ने यहाँ पे अपने छोटे-छोटे इंडक्शन लेके, it is very difficult कि हम बार-बार वहाँ से अपना सामान लेके नीचे आए फिर बना के ऊपर लेके जाए। ओह या बट इफ यू वांट टू डू नेटवर्किंग इट्स द बेस्ट प्लेस। चिल कर सकते हो। या नो चिल, नो स्मोकिंग ऑन पैटियो एंड इफ यू आर कमिंग इन सितंबर दैट्स द बेस्ट इनटेक। यहां हर तीसरे दिन में गैदरिंग होती है बहुत अच्छी होती है। यहां से शुरू हो रहा है नो स्मोकिंग ऑन पैटियो लिखा हुआ है। यहां बारबेक्यू भी होता होगा भाई। सी दैट या इफ यू वॉच माय व्लॉग्स you know how this happened, okay? Nice, nice boy. Look at the sky. You want it? तो भाई अभी यहाँ पे हमें ओ यहाँ से बारबेक्यू होता है ना, करेंगे भाई किसी दिन चिल फूड। तो अभी हमें पहला पूरा कॉलेज देखना है, मेरे को कोनेस्टोगा कॉलेज देखना है, दूसरा ड्रोन उड़ाना है। बेस्ट जगह मतलब बेस्ट स्पॉट जहाँ पे चिल करते हो ड्रोन के लिए। बेस्ट जगह वैसे तो पूरा कॉलेज बढ़िया है, लेक मैंने भी वही बोला था, लेक सबसे बढ़िया। चलो चले लेट्स गो। ये अच्छा है, नाइस। ये है भाई ऐसी बिल्डिंग है फुल, देख रहे हो अगर तुम यहाँ आओगे तो। सो भाई लोगों दिस इज दी आई गेस ये पीछे का इलाका है, यहाँ पे पार्किंग, ये भी पार्किंग है यार, पार्किंग बहुत बढ़िया है यहाँ पे। बट इतने लोग, इतनी कार है नहीं लोगों के पास। आई गेस ये वेलकम सेंटर, रिक्रिएशन सेंटर और पार्किंग, और पीछे ये पार्क है, रिक्रिएशन सेंटर है वो। तो ये सारे हमारे साथ कोनेस्टोगा के बच्चे हैं। भाई आप अपना नाम बता दो। जन्मय राव। जन्मय शिराग शर्मा, ये तो पता ही है। मिल गया। एम निशांत। ये जल रहा है अभी, यहाँ पे आग लगी थी ना ब्रो। फुटबॉल को ग्राउंड में डॉक्टर ने बास्केटबॉल का, ओह सॉरी बेसबॉल का बना रखा है। ओके सो भाई मेरे को अभी एक बात पता चली है यहाँ पे, जो कि हमारे भाई लोगों ने बताई है कि जो हमारा रोनो और स्कार्ब्रो में प्रेस्टो चलता है तो यहाँ पे जीआरटी कार्ड चलता है। भाई बताएंगे क्या होता है? ग्रैंड रिवर ट्रांसफर। जीआरटी जो होता है ना वो मतलब प्रीपेड कार्ड होता है आई गेस, मंथली पास भी होता है। मंथली कितना है? $90। $90 एंड इफ यू वांट टू बाय फॉर 3 मंथ्स इट इज समथिंग $360। हाँ, और अगर कोनेस्टोगा से करवाते हो बट 3 मंथ्स में महंगा नहीं पड़ जाएगा? 360 जिसमें ना $100 का डिस्काउंट भी होता है ब्रो। बट आई गेस $90 बहुत सही, क्योंकि GTA में और टोरंटो में $128 होता है स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे 90 है। इट्स बढ़िया है। 3 मंथ्स का मेरे को नहीं पता कि 300 समथिंग का या वो 300 का नहीं, बट महंगा नहीं पड़ेगा 300 का अगर 90 का वन डे। इट ऑल डिपेंड्स हाउ मच यू ट्रैवल। इफ यू ट्रैवल अ लॉट 300 इज गुड फॉर यू। If you are living in the residence and the college is here, then 201 नंबर की बस चलेगी। आई एक्सप्रेस ये होटल वो ये सबसे बड़ा बस भी दिखा दो भाई, बस भी दिखा दो, तोड़ के दिखाओ। ग्रैंड रिवर ट्रांजिट के पीछे नाम ये इसलिए बिकॉज़ जहाँ पे जो रिवर है उसका नाम है ग्रैंड रिवर, तो उसके ऊपर इन्होंने बस का नाम। यू कैन गो देयर। पर आपका कोर्स कौन सा था? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। और आपका एडवांस डिप्लोमा है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। सेम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस एनालिसिस। मैं तो सेंटिनियल से हूं, तो मैं पहली बार आया हूं। व्हाट इज योर कोर्स? सो आई डिड फूड साइंस टेक्नोलॉजी। सो वी डिड लाइक ये अच्छा है ब्रो। ये क्या है? So yeah, this is the recreation center. We have gym and every other sports basically in here. So guys, ये है कोनेस्टोगा स्टूडेंट रिक्रिएशन सेंटर, और पीछे यहाँ पे इसके जिम है। अभी कह रहे हैं 3 दिन तक बंद है, बट ये मेरे को लग तो बढ़िया रहा है। वहाँ पे हेल्थ केयर का इनका सेंटर भी बनता है। ये जिम है, ऊपर देख सकते हो अगर दिख रहा हो तुम्हें तो। सो ये मैप है, यहाँ पे अगर कोई खो जाए तो भाई ये एक दिन सी। अभी हम कहाँ पे हैं? वहाँ पे अभी हम कौन से You are here लिखा हुआ है ब्रो। स्पोर्ट्स फील्ड H क्या है? अरे टू लेट्स ATSM इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स। ओह दैट व्हाट आई एम सेइंग, आई जस्ट सॉ द वन ब्रो। एक यहाँ है और एक यहाँ है। This is the library और ये है मास्क। ये लाइब्रेरी है। Yeah, library but the main library is there. So guys ये है पीछे, ये है तुम्हारा कोनेस्टोगा कैंपस। बिजनेस बिल्डिंग भी इसी के अंदर थी, तो अभी हम वहाँ से चलते हुए तो मैं लेके वीडियो बना सकता था और नहीं बना, क्योंकि वीकेंड है तो वीकेंड में अलाउड नहीं है, वीकडेज में अलाउड है। लेकिन शूट वीडियो तो मैं बाहर की कर रहा हूँ। एंड ये देखो भाई लेक है, छोटी सी लेक है, यहाँ पे चिल कर सकते हैं। चिल स्पॉट है मतलब, अपना यहाँ पे बैठो मस्त, पढ़ भी सकते हैं, चिल भी कर सकते हैं। बंदे बैठे हुए हैं अपने but that's nice. बढ़िया लग रहा है आपको? तो गाइज़ ये है मतलब सेंटिनल कॉलेज सॉरी कोनेस्टोगा कॉलेज रेजिडेंस से आते हुए ग्रैंड रिवर ऐसा रास्ता भाई फुल तूफानी सा बिल्कुल में चिल करना है तो एकदम चिल। हाँ यार अभी 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 पैर स्लिप हो जाएगा रोस्टेड। चलो भाई ये तो फुल जंगल टाइप का लग रहा है कि यहाँ पे साफ आप पूछ सकते हैं। सही है भाई। ओ भाई फुल गन्ने के खेत वाली वाइब आ रही है। हैं? साफ से साफ हाँ। देखा होगा क्या? मैं बोल रही हूँ। यहाँ तो लोग हैं सांप। चलो भाई। वो यहाँ पे फिशिंग कर रहा है वो बंदा उधर। आई डोंट नो दिखेगा पास जाके। ओह अच्छा पैडल बोर्डिंग और वो कर रहे हैं बोटिंग। वो यहाँ पे बोट कर सकते हो बेसिकली तुम। सही है यार चिल बोटिंग करके पियो खाओ पियो ऐश करो और क्या। ये नाइस यार। मेरे भी करना है वो। तो सही है $160 की आती है कैनेडियन टायर पे ले लो और चलाओ। मैं तो बोल रहा सर्टिफिकेशन लगता है। बेटा किसमें सर्टिफिकेशन नहीं लगता बोल राइटिंग का लगता है इतना इसमें ही लगता हूँ। भाई आए हमसे मिलने के लिए। अच्छा भाई बढ़िया ब्रो। So guys that's pretty much it। और भाई सीन क्या था कि मैं यार कल रात को 3-4 बजे घर पहुँचा हूँ। मैं फिर अपने एक एमिटी में सीनियर थी रिया तो उससे भी मिलने गया था तो वहाँ पे भी मैं 1-2 घंटा चिल किया। उसके बाद मैं मिस्टर भाटिया इन कनाडा से भी मिला और ऋषु दीदी के साथ तो ऑब्वियसली ज़्यादा ज़्यादा फोटो खींच पाई थी। और बहुत सारे मेरे को रास्ते में चलते हुए किंग स्ट्रीट में सब्सक्राइबर मिले थे। तो भाई वाटरलू इज़ अ वेरी हैपनिंग प्लेस मेरे को रात को पता चला। बिकॉज कोई भी जगह का अगर तुम्हें स्टूडेंट लाइफ एक्सप्लोर करनी है और जाननी है तो तुम्हें रात को पता चलता है। और रात को वहाँ का सीन एपिक था भाई। तो स्टूडेंट के लिए बढ़िया क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू है कॉनेस्टोगा कॉलेज के बहुत सारे कैंपसेस है तो बहुत बढ़िया जगह लगी भाई। किंग स्ट्रीट तो बहुत हैपनिंग प्लेस थी। सो अगर तुम ऐसा लग रहा है कि कोनेस्टोगा किचन डेड है भाई नहीं है। वहाँ पे मेन जगह जो है पैराडाइज लो। सो यार दैट्स प्रीटी मच इट गाइस। और अच्छा था भाई कॉलेज टूर भी अच्छा था। कोनेस्टोगा कॉलेज भी देखा बढ़िया लगा मुझे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया ही था। अंदर में पूरा प्रॉपरली घूम नहीं पाया। एंड जितने भी मैं वहाँ पे लोगों से मिला और जितने भी बच्चों से मिला जो नए नए आए हैं बहुत सही है भाई। सब सही कर रहे हैं लाइफ में। So that's pretty much it. I hope you guys liked this video. Make sure to give this video a big thumbs up. Drop a comment in the comment section. I'll see you next time. Stay awesome. Keep smiling and subscribe Logical Bakwas and I'll see you guys in the next one. Bye. Peace out और भाई सपने देखो सपने जरूर पूरे करते हैं। Bye bye. Peace out.